आज हम बना रहे हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे और इसके साथ में गुड़ की चटनी। अगर आलू के पराठे के साथ अगर आपने ये चटनी नहीं खाया तो आप आलू के पराठे का कोई भी स्वाद नहीं जानते हैं। ये दोनों साथ में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। सबसे पहले हम आलू को बॉईल करेंगे। तो यहाँ हमने 1.5 किलो आलू लिया हुआ है जिसको हम 2 सीटी कुकर में लगा करके बॉईल कर रहे हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने टमाटर लिया हुआ है 1 किलो के लगभग। चटनी बनाने के लिए टमाटर की या तो आप इसको ग्रेट कर सकते हैं, यानी आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, या तो आप टमाटर को पीस सकते हैं, या तो इतना ज़्यादा तामझाम नहीं करना चाहते हैं तो टमाटर को काट करके इसकी चटनी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर टमाटर को काट के बनाएंगे। चटनी बनाने में बहुत कम तेल का प्रयोग करना है। 1 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल दिया सरसों का। इसके बाद 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, जीरा को लाल होने देंगे। तो हम काट के बना रहे हैं, तो हमने टमाटर को काट लिया है। इससे बहुत कम समय में बन जाती है। और अब ये जाएगा तेल में। टमाटर की चटनी को बहुत जल्दी पकाने का टमाटर का एक तरीका होता है। इसमें सबसे स्टार्टिंग में ही आप नमक डाल दीजिए, या फिर आप गुड़ या चीनी की बना रहे हैं तो गुड़ और चीनी डाल दीजिए। चीनी अगर बना रहे हैं तो चीनी बाद में डालिएगा, लेकिन गुड़ की बना रहे हैं तो गुड़ पहले डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम 4 से 5 गुड़ लिए हुए हैं तो हम इसमें डाल रहे हैं। अगर आप चीनी का बना रहे हैं तो आप चीनी को बाद में डालिएगा, गुड़ को पहले इसलिए डालते हैं ताकि गुड़ जो बड़ा है गलेगा, उसमें कम ज़्यादा टाइम लगता है इसे गलने में। इसलिए इसको स्टार्टिंग में ही हम डाल करके मिला करके इसको ढक देंगे ताकि हमारा जो टमाटर है वो नमक की वजह से जल्दी गल जाए और गुड़ जो है वो भी जल्दी गल जाए। पहले तो इसको तेल में अच्छे से मिला रहे हैं हम यहाँ पर। मिलाने के बाद इसको हम ढक देंगे और वो भी लो फ्लेम करके गैस का, ताकि धीरे धीरे जो टमाटर है वो पक जाए, नरम हो जाए और बिल्कुल चटनी का लुक ले ले। आलू हमारी बॉईल हो चुकी है और अब आलू को हम मैश करेंगे और मैश करके इसका चोखा बनाएंगे। चोखा बहुत ही ज़्यादा देसी तरीका है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट चोखा हम बनाएंगे। मैश कर लिया हमने, अब इसमें हम डालना शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हरी वाली लहसुन, जिसमें हमने 4 कली लहसुन लिया था, बारीक बारीक शेप में कट किया हुआ है। इसके साथ ही जाएगा इसमें 3 बारीक कटी हुई प्याज, अपने तीखा के अनुसार हरी मिर्च ले लीजिए, हमने यहाँ पे 3 लिया हुआ है, बारीक कटी हुई अदरक, अदरक का एक बड़ा सा टुकड़ा हमने लिया है। चटनी आप देख सकते हैं हमने खोल दिया है और चटनी आप देख सकते हैं टमाटर पूरी तरीके से गल चुका है। और अब हम इसको खोल करके मैश करते हुए चटनी का इसको प्रेस कर करके चटनी बना रहे हैं। यहाँ पर हम डाल रहे हैं जीरा, धनिया और लाल मिर्च को भूज करके इसका पीस करके पाउडर हमने तैयार करके रखा हुआ था, वही हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 बड़ी चम्मच। इसको डालने के बाद बस इसको अच्छे से मिलाना है और मिला करके जब चटनी लगे कि अच्छे से चटनी का तरह लग रहा है, मतलब अच्छे से ये पिस चुका है, चटनी का शेप ले लिया है, तो बस इसको हल्का हल्का चला करके गैस को ऑफ कर देंगे। चोखा में अब जाएगा हमारा ब्लैक पेपर फ्लेक्स, यानी कुटी हुई गोल मिर्च है ये, और अब हम चटनी को ऑफ कर देते हैं। और स्वाद अनुसार नमक और इसके साथ ही सरसों का तेल डालेंगे 1 टेबल स्पून चोखा में, जो कि इस चोखा को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना देता है। और इसको हम देख सकते हैं आप, हमने चोखा बना करके तैयार कर लिया है और ये बहुत ही इजी और बहुत ही देसी तरीका है आलू का चोखा बनाने का, और इसके पराठे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। आटे का डो हमने रेडी कर लिया है और डो बिल्कुल नरम होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से गद्देदार होनी चाहिए। और इस छोटा सा हम गोला लेकर के तवा पे रख देते हैं ताकि तवा गर्म हो जाए। पराठे बनाने के लिए अपना गोला बड़ा, तो हम बड़े बड़े पराठे बनाएंगे तो बड़ा सा लोइया हम यहाँ पे ले रहे हैं। अच्छे से इसको प्लेन करते हुए, आटा लगाते हुए बस इसको बीच में होल करना है, और बहुत ज़्यादा होल करके हम गहरा बना देंगे ताकि हम ढेर सारे मसाले इसमें भर पाएँ।
लेयर बिल्कुल पतला कर दिया जाता है होल कर करके, ताकि हमारे पराठे जो हैं वो पतले पतले बने, इसीलिए इसको ज़्यादा होल किया जाता है ताकि इसका लेयर जो है वो पतला हो सके। प्रेस कर करके जितनी आलू भरी जा सके उतनी भर दीजिए। बहुत ज़्यादा आलू वाले या फिर जो भी आप बना रहे पराठे उसमें ढेर सारी जब क्वांटिटी में रहते हैं मसाले अंदर, तो अच्छा लगता है, कोने कोने तक स्वाद आता है उसका। अब नरम हाथों से इसको बेलना है, ज़्यादा प्रेस करके नहीं बेलना है, हल्के हल्के हाथों से बेलते हुए इसको एक बड़ा सा शेप दे देंगे। और हम पतले पतले पराठे बनाते हैं तो इसीलिए हम पतला बनाएंगे। पतला पराठा जो है वो अच्छे से पक जाता है, बहुत फूलता भी है। और यहाँ पे जब आप पराठे गैस पे डालिए तो गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम कर दीजिए, लो से थोड़ा सा ज़्यादा हाई, यानी मीडियम में, मीडियम से हल्का सा कम। हाई फ्लेम करने से जल्दी जल्दी पक तो जा जल तो जाता है लेकिन पकता नहीं है अंदर पराठे, इसीलिए मीडियम फ्लेम करके अगर आप पराठे बनाएंगे तो पराठे बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं, बहुत ही मुलायम बनते हैं, एकदम स्पंजी फूले फूले से बनते हैं। एक तरफ जब हल्का पक जाए तो दूसरी तरफ कर देते हैं। तो पराठे बनाने का एक सीक्रेट है कि इसमें आप जो ऑयल का प्रयोग करते हैं वो मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग करें। सरसों का तेल का जो पराठा होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है स्वाद में, और यहाँ पे हम सरसों का तेल ही डाल रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में तेल डालेंगे ताकि हर तरफ इसको अच्छे से पक जाए। और ये हमारे गर्मा गर्म पराठे जो हैं वो बन करके तैयार हो रहे हैं। इसी तरीके से बाकी भी पराठे बनाएंगे। सरसों तेल की जगह पे आप यहाँ पे बटर या घी या फिर रिफाइंड ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सरसों का तेल प्रयोग करें। आलू के पराठे में सरसों का तेल का जो किया जाता है, ब्रशिंग की जाती है, लगाई जाती है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है स्वाद में, इसीलिए हम यहाँ पे सरसों का तेल प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप जो भी फ्राई ऑयल यूज़ करते हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल आलू के पराठे के लिए बिल्कुल बेस्ट है। तो गर्मा गर्म हमारे पराठे जो हैं वो बन करके रेडी हो चुके हैं, और इसके साथ में गुड़ वाली चटनी भी रेडी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन दोनों को साथ में खाने में बहुत 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 ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ये, और इसके स्वाद की कोई मतलब जवाब ही नहीं है दोनों को साथ में खाने में। और ये बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही देसी तरीका है, बहुत ही स्वादिष्ट तरीका है बनाने का। और ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो उसको प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस हम लाते रहते हैं, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।